हेलो गाइस, तो आज मैं थ्रोन ऑफ सिल के एपिसोड 72 के नोवेल को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे, तो आप लोग काम चला लेना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो सभी युक्सी के पास में मदद के लिए आ चुके थे, वही हमें युक्सी को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो हाउसियान से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमको स्पिरिचुअल पॉइंट की काफी ज्यादा जरूरत है, पर तुम भी जानते हो कि स्पिरिचुअल पॉइंट अकेला कैप्टन का नहीं होता है। अगर तुम्हें मुझसे स्पिरिचुअल पॉइंट चाहिए तो उसके लिए मुझे पहले अपने टीम के साथ में बात करना होगा। वहीं अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर उनके पास में और कोई भी रास्ता नहीं था और वो युक्सी के बात को मान जाते हैं। वहीं हमें युक्सी को दिखाया जाता है जो कि अपने टीम के साथ में बात करने के लिए वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें युक्सी को दिखाया जाता है जो कि अपने टीम के पास में आ चुका था और इसके बाद वो इसके बारे में अपने टीम को बताता है। वहीं हमें उसके टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो युक्सी से कहते हैं कि हमें भी स्पिरिचुअल पॉइंट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो तुमको हाउसियान को देने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वहां पर मौजूद बाकी बंदे भी इसके लिए डिसएग्री कर रहे होते हैं। वहीं हमें युक्सी को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो हाउसियान को ना नहीं कह सकता था, क्योंकि अभी के टाइम में हाउसियान राइज कर रहा था और अगर अभी हाउसियान के साथ में वो रहते हैं तो उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। और इसके बाद वो अपना दिमाग चलाने लगता है और इसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे लिए स्पिरिचुअल पॉइंट काफी ज्यादा महत्व रखता है, पर तुमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हाउसियान अभी राइज कर रहा है और हमें अभी के टाइम में उसके साथ में रहना चाहिए। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो इसके बारे में युक्सी से पूछते हैं। इस पर युक्सी उनको बताता है कि अभी के टाइम में हाउसियान काफी ज्यादा ट्रेंड में है और अगर हम उसके साथ में अपना संबंध अच्छा बनाकर रखते हैं तो फ्यूचर में हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ वो सभी युक्सी के बात से सहमत हो जाते हैं, पर अभी भी कुछ बंदे इस बात से काफी ज्यादा नाराज होते हैं। तभी युक्सी उनके पास में आता है और इसके बाद वो उनको समझाता है और कहता है कि अगर हम अपने स्पिरिचुअल पॉइंट को हाउसियान को देते हैं तो इसकी वजह से हमारी काफी ज्यादा बड़ी मदद हो जाएगी, जो सुनकर वो सभी फिर से हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो उससे इसके बारे में पूछते हैं। युक्सी उनसे कहता है कि अगर हम हाउसियान की मदद करते हैं तो इसकी वजह से हाउसियान अपने टीम के लेवल को बढ़ा लेगा और अगर हाउसियान जर्नल लेवल पर चला गया तो उसके बाद वो मिशन हॉल में जाकर अपने लिए मिशन को चूज कर सकता है, पर अभी के टाइम में हमारी लेवल काफी ज्यादा कम है जिसकी वजह से हम मिशन हॉल में नहीं जा सकते हैं और मिशन को चूज नहीं कर सकते हैं। और अगर हम हाउसियान की मदद करते हैं तो हम हाउसियान के सामने यह प्रस्ताव रख सकते हैं कि हाउसियान जो भी मिशन करेगा उसमें हमें शामिल करेगा, साथ ही साथ उसका 30% हमको देगा। अब इस बात को सुनकर उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस पर युक्सी उनको समझाता है कि अगर हम हाउसियान के साथ में अलायंस बनाकर मिशन को कंप्लीट करते हैं तो हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, जैसे कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा क्योंकि हाउसियान की टीम काफी ज्यादा पावरफुल है और वो किसी भी मिशन को काफी ज्यादा आसानी से पूरा कर सकता है, जिसकी वजह से बिना हमें मेहनत के काफी ज्यादा पैसा मिल जाएगा और एक मिशन का 30% कोई कम नहीं होता है। हम एक ही मिशन से 10,000 स्पिरिचुअल पॉइंट तक कमा सकते हैं। अब इस बात को सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जो बंदे डिसएग्री कर रहे थे वो सभी युक्सी के बात से एग्री कर जाते हैं। अगले सीन में हमें हाउसियान के टीम को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़े होते हैं और वो सभी इस बात के बारे में सोच रहे थे कि कहीं युक्सी उनको मना तो नहीं कर देगा। तभी वहां पर युक्सी आ जाता है। अब युक्सी को देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी उम्मीद की नजरों से उसको देखने लगते हैं। वहीं हमें युक्सी को दिखाया जाता है जो कि उनको वेट करवाने के लिए उनसे माफी मांगता है और इसके बाद वो हाउसियान के पास में आता है और वो हाउसियान से कहता है कि मेरी टीम तुमको स्पिरिचुअल पॉइंट देने के लिए मान गई है, पर मेरा एक शर्त है, जो सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो युक्सी से इसके बारे में पूछता है। वहीं हमें युक्सी को दिखाया जाता है जो कि हाउसियान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी अपने टीम के लेवल को ब्रेक करने वाले हो, जिसकी वजह से तुम्हें मिशन हॉल में एंट्री मिल जाएगा, पर अभी के टाइम में हमारी लेवल काफी ज्यादा कम है जिसकी वजह से हमें मिशन हॉल में नहीं जाने दिया जाता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम मिशन हॉल में जाते हो और वहां से किसी मिशन को चूज करते हो तो तुमको हमें भी उसमें शामिल करना होगा और हमें उस मिशन के 30% को देना होगा, बाकी 70% तुम रख सकते हो, जो सुनकर हाउसियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि सच में यह कैप्टन बनने के लायक है, क्योंकि भले ही ये हमारी मदद कर रहा है पर इसकी वजह से ये हमसे काफी ज्यादा लूट रहा है, क्योंकि जब हमारे पास में स्पिरिचुअल पॉइंट वापस आ जाएगा तो हमें इसको स्पिरिचुअल पॉइंट भी वापस करना होगा, साथ ही साथ ये मिशन के जरिए और भी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट कमा लेगा, पर अभी के टाइम में हाउसियान के पास में और कोई भी रास्ता नहीं होता है। और इसके बाद
जादुआ युक्सी के बात को मान जाता है। वही हमें युक्सी को दिखाया जाता है जो कि अपना हाथ आगे करता है और इसके बाद वह हाउसियान को भी अपना हाथ आगे करने को बोलता है, जो सुनकर हाउसियान भी अपना हाथ आगे कर लेता है। तभी युक्सी अपने डिवाइस को ओपन कर लेता है और इसके बाद वह अपने डिवाइस से 2000 स्पिरिचुअल पॉइंट को हाउसियान के डिवाइस में सेंड कर देता है, जो देखकर हाउसियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वही हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि इसके लिए युक्सी को थैंक्स बोलता है, साथ ही साथ वह उसके टीममेट्स को भी थैंक्स बोलता है और इसके बाद वह सभी उनको बाय बोलकर वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि ट्रेजर हॉल में आ चुके थे। अब ट्रेजर हॉल में आने के बाद वह सभी एक जगह पर जाते हैं और इसके बाद वह उनसे पूछते हैं कि हमें अपने टीम के लेवल को अपग्रेड करना है तो हमें क्या करना होगा, जो सुनकर वो बंदा कहता है कि अगर आपको अपने टीम के लेवल को ब्रेक करना है तो आपको 10,000 स्पिरिचुअल पॉइंट को देना होगा, जो सुनकर वो सभी अपने 10,000 स्पिरिचुअल पॉइंट को उसको दे देते हैं। जिस पर वो बंदा कहता है कि भले ही आपके पास में 10,000 स्पिरिचुअल पॉइंट है पर इसके लिए आपको एक टेस्ट भी देना होगा, जो सुनकर वो सभी जर्नल लेवल पर प्रमोट होने के लिए उस टेस्ट को देने के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हमें एक वर्चुअल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी को टेलीपोर्ट कर दिया गया होता है। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, साथ ही साथ उसके टीममेट्स भी काफी ज्यादा हैरान थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर काफी सारे बंदे अपीयर हो जाते हैं जो कि उन्हीं के लेवल के होते हैं। अब इस चीज को देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि उनसे कहती है कि अगर तुमको अपने लेवल को ब्रेक करना है तो पहले तुमको इन सभी को हराना होगा, उसी के बाद तुम सभी को जर्नल लेवल में प्रमोट किया जाएगा, जो सुनकर वो सभी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो सभी उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से फाइट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं हमें सामने वाले बंदों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड होते हैं और वो हाउसियान और उसके पूरे टीम को बराबरी की टक्कर दे रहे थे और उन सभी को उनका सामना करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था, पर वो सभी हार नहीं मानते हैं और वो सभी अपने मैक्स पावर का यूज करके उन सभी के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपने एलिमेंटल आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो उन सभी के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है और वो अपने सोलर लाइट टेक्निक का यूज करके उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन सभी को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है, साथ ही साथ वो अपने सामने वाले बंदे को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा था। अगले सीन में हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने आंख के वापस आ जाने की वजह से और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है और वो लाइट की स्पीड के साथ में वहां पर मौजूद बंदों को मारना स्टार्ट कर देती है। साथ ही साथ हमें उनके टीममेट्स को भी दिखाया जाता है जो कि वहां पर मौजूद बंदों को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे। वहीं हमें एग्जामिनर को दिखाया जाता है जो कि उनके स्किल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सच में ये बंदे काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये जर्नल ग्रेड में प्रमोट होने के लायक है। वहीं हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि उन सभी बंदों को हरा चुके होते हैं और इसके बाद वो सभी वापस आ जाते हैं। तभी वो बंदा उन सभी को एक जगह पर जाने को बोलता है, जो सुनकर वो सभी स्टेज पर चले जाते हैं। वहीं हमें वहां पर एक गोले को दिखाया जाता है जो कि पीले कलर का होता है। तभी वो बंदा उन सभी को उस पर हाथ रखने को बोलता है, जो सुनकर वो सभी उस पर हाथ रख देते हैं। तभी वहां से एक लाइट निकलती है और इसके बाद वो उन सभी को अपग्रेड कर देती है, जिसकी वजह से उनका टीम जर्नल ग्रेड पर चला जाता है। अब इसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो सभी वहां पर जश्न मनाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हमें हाउसियान को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे के पास में जाता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि मुझे मिशन को लेना है, तो मुझे मिशन कहां से मिलेगा, जो सुनकर वो बंदा उसको इसके बारे में बताता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट पार्ट आपके सपोर्ट पर निर्भर करता है। अगर आप लोग इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट शामी को आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।